सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 11 व कक्षा 12 के विद्यार्थियों का मैं प्रेम कुमार स्वागत करता हूं। यहां पर जो हमारा टॉपिक शुरू हुआ है वो संधि प्रकरण है, और संधि में आप संधि की परिभाषा आप जान चुके हैं, तो उसके मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं वो आपने पहले वीडियो में देखा। दूसरे वीडियो में आपने दीर्घ संधि के संबंध में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त की। अब ये जो तीसरा भाग है, इस भाग में आप गुण संधि पढ़ेंगे, और गुण संधि जो गुण विधायक सूत्र हैं आपके सामने लिखे हैं, आद गुणा अदेंग गुणा। देखिए, कभी कभी पूछता है कि गुण कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो अदेंग गुणा जो है इसमें आ ए और ओ, ये जो तीन अक्षर हैं इनको गुण कहा जाता है। इन अक्षरों का नाम संधि में व्याकरण में इन अक्षरों का नाम आ ए और ओ, इनको गुण कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अदेंग गुणा का मतलब यही है, अत एंग गुणा, अत माने आ, एंग माने ए और ओ, गुणा माने गुण, अत माने आ, एंग माने ए और ओ, यानी आ ए और ओ को गुणा माने गुण कहा जाता है। ये नाम दिया गया है, जैसे सबका नाम होता है वैसे इन अक्षरों का नाम भी समूह में, अगर ये तीनों एक साथ हैं तो इनका नाम दिया गया है कि ये गुण कहे जाएंगे, इनको गुण कहा जाए। ठीक है, तो परिभाषा आपके सामने है गुण संधि की, कि यदि आ या आ के बाद, यहाँ जो ये चिन्ह लगा है इसका मतलब अथवा या, ठीक है, यदि आ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों को ए हो, यानी कहने का तात्पर्य, यहां नीचे पहले परिभाषा को समझ लेंगे हम, यदि आ अथवा बड़ा आ, यानी चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इनके बाद यहां यदि ई है अथवा बड़ी ई आई है तो इसको, इन दोनों को ए आदेश होगा। ठीक है, आप समझ लीजिए संधि परिभाषा में कह क्या रहा है, कि यदि आ या आ के बाद, देखिए यदि आ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए, यानी आ आ के बाद ई या ई आए, ठीक है, तो दोनों को क्या आदेश हो जाए, ए हो जाए। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे छोटा आ प्लस छोटी आ ई जोड़ेंगे तो ए बनेगा, बड़ा आ प्लस छोटी ई जोड़ेंगे तो ए बनेगा, छोटा आ प्लस बड़ी ई जोड़ेंगे तो भी ए ही बनेगा। ठीक है, और यदि बड़ा आ और बड़ी ई जोड़ेंगे तो ए बनेगा, ये स्थिति है। ये अथवा इसीलिए लगा दिया शॉर्टकट में, कि आ हो, चाहे ये आ और ई मिले तो ए बनेगा, चाहे ये आ और ई मिले तो भी ए ही बनेगा, यानी अंतिम स्थिति, इधर आ हो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इधर ई हो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, दोनों के मिलने से ए बनेगा। उम्मीद है आपकी बात समझ में आ रही होगी। ये चार स्थितियां ही बन सकती हैं इसके संबंध में, और सबके संबंध में चार चार स्थितियां बनती हैं। तो पहली परिभाषा में, परिभाषा के अंतर्गत आपने देखा कि यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए बनेगा। अब इधर जो दूसरी बात कही उन्होंने, दूसरी बात जो कही, तो वहां भी कहा है कि आ या आ, यहां पर आपने देखा कि ऊ या ऊ आए तो ऊ या ऊ किसके बाद आए, इसी के बाद, यानी पहली स्थिति में आ ही रहेगा, बाद में यदि ई आती है तो ए होगा, और यदि बाद में ऊ आता है ह्रस्व हो या दीर्घ हो तो ओ आदेश हो जाएगा। समझ गए, यानी आ ऊ ओ, आ बड़ा ऊ तो भी ओ, बड़ा आ छोटा ऊ तो भी ओ, और बड़ा आ बड़ा ऊ तो भी ओ, आदेश ओ ही होगा। तीसरी बात परिभाषा में क्या कही है, तीसरी बात कही है कि यदि आ या आ के बाद रेढ़ या बड़ा रेढ़ आए, तो बड़ा रेढ़ का तो प्रयोग अब होता नहीं है खैर, लेकिन लिख दिया जाता है आ या बड़ा आ, पहली स्थिति में ये कह रहेगा आ या बड़ा आ, अब यहां पर बदल रहा, यहां ई आती है तो ए हो जाता है, ऊ आता तो ओ हो जाता, और अगर रेढ़ आए, बड़ा रेढ़ ऐसा कहीं प्रयोग नहीं होगा, ये लिख देते हैं हम लोग,
तो फिर क्या आदेश होगा? अर, हलंत लगेगा इसके नीचे, अर आदेश हो जाएगा। ठीक है, आया आ के बाद ऋण या बड़ा ऋण आता है तो क्या आदेश होगा? अर आदेश होगा। ठीक है, अब चौथी बात क्या है कही है, चौथा ये वैदिक स्वर है, यहां भी आ अथवा बड़ा प्लस ली, ये वैदिक स्वर आपको ला दिख रहा होगा नहीं, पहले जो संस्कृत के दो भाग हैं, एक वैदिक संस्कृत एक लौकिक संस्कृत, तो लौकिक संस्कृत में यह स्वर नहीं माना जाता है, लेकिन वैदिक संस्कृत में यह स्वर माना जाता था, इसको स्वर मानते थे। ठीक है, वैसे तो ये व्यंजन है लेकिन इसको स्वर मानते थे। तो अगर यहां पर आ या आ के बाद लिरी आए तो क्या आदेश होगा? अल आदेश होगा, यानी छोटा आ लिरी मिले तो अल होगा, बड़ा आ और लिरी मिले तो अल होगा। इसलिए इसको बता दिया जाता है अब, क्योंकि अभी भी कुछ उदाहरण लौकिक संस्कृत में प्रचलित हैं, इसी के द्वारा लिखे गए हैं, तो इस वजह से चूंकि वो उदाहरण आएंगे तो उनको कैसे आप विच्छेद करेंगे, इसलिए इसको बताया गया। बाकी कोई नया शब्द नहीं बनता, दो ही तीन शब्द हैं जिसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि इधर पहली स्थिति में आ ही है, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इधर बदल रहा है। अगर इस आ के बाद ई आ जाए तो ए हो जाए, आ के बाद ऊ आ जाए तो ओ हो जाए, आ के बाद री आ जाए तो अर हो जाए, और आ के बाद री आए तो अल आदेश हो जाए, ये इस संधि में बताया गया है। तो इसकी परिभाषा आप समझ गए होंगे, यही परिभाषा में कह रहा, जो यहां हमने शॉर्टकट में लिखा है वही पूरी परिभाषा में शब्दों के माध्यम से कहा कि आया आ के बाद ई आए, आया आ के बाद यदि ई आए तो ए हो जाए, आया आ के बाद यदि ऊ ऊ आए तो ओ हो जाए, आ के बाद अगर ऋण आए तो अर हो जाए, और आ के बाद अगर लि आए तो अल आदेश हो जाए। इसी को गुण संधि कहा जाता है। अब हम पहले नंबर को पढ़ेंगे, आप पहले को पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे क्या होता है। देखिए यहां आ या आ के बाद एक एक करके चल रहे हैं, जितने इसमें है चार पार्ट बनते हैं, क्योंकि चार अक्षर होना है, पहला अक्षर ए होना है, दूसरा अक्षर ओ होना है, तीसरा अक्षर अर होना है, और चौथा जो है क्या होना है? अल होना है। ठीक है, तो पहला हम जो ए हो रहा है उसको पढ़ेंगे। तो आप देखें यहां पर महा प्लस ऋषि, क्या वो स्थिति बन नहीं है जो स्थिति जो इन्होंने परिभाषा में बताई, कहा कि आ या आ के बाद ई या ई आए। देखिए यहां पर भी हमने वही शॉर्टकट में लिखा है कि आ अथवा, ये अथवा का चिन्ह है, आ अथवा आ के बाद ई अथवा ई आए। तो यहां पर देखेंगे क्या आ रहा पहले वाले पर प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में क्या आना चाहिए? आ आना चाहिए, ह्रस्व हो या दीर्घ हो। तो यहां कौन सा आ दिख रहा है? बड़ा आ दिख रहा है, और इधर ह्रस्व या दीर्घ ई होनी चाहिए, तो आपको क्या दिख रहा है? ई दिख रही है, तो दोनों को क्या आदेश हो जाए? ए आदेश हो जाए। ठीक है, यानी ये इसका आ और इसकी ई को मिल करके क्या आदेश हो गया? ए आदेश हो गया। अब यहां आप देख सकते हैं अलग से हम यहां लिख रहे हैं, देखिए माह इसका आ निकाल लिया, ऐसा आप करेंगे नहीं, आपको समझाने के लिए है, माह जब आ निकल जाएगा तो हलंत हो जाएगा, यानी अक्षर आधा हो जाएगा, और इधर ईसा में ई निकाल लिया, अब उसके बाद जो शेष बचा उसको जोड़ लें, लिख लें। अब इन दोनों को क्या आदेश, क्योंकि आ के बाद अगर ई आती है तो ए आदेश हो जाता है, तो इनको क्या आदेश हो जाएगा? ए आदेश हो जाएगा। अब क्या बचा? माह प्लस ए और प्लस सा, चूंकि हमने इनको इसको ए बना दिया तो ये दोनों ए में परिवर्तित हो गए। अब यहां मह बचा और यहां सा बचा, और इस बीच में ए रख देंगे, और ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई आधा अक्षर हो, यहां देखिए हा आधा अक्षर है, उसके बाद अगर स्वर आता तो स्वर हट करके अपनी स्थिति छोड़ करके और उस अक्षर में अपनी मात्रा दे जाता है, तो यहां पर मात्रा लगा देंगे, ए की मात्रा ऐसे लगती है, ऐसे लगा देंगे और सा जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? महेशा। क्या बन जाएगा? महेशा। ठीक है, तो ऐसा ही आप सब कहीं समझ लीजिएगा इसी प्रकार से। तो यहां क्या बन जाएगा? महेशा। ठीक है, अब यहां देखिए गढ़ ईस, यहां पर क्या दिख रहा? हलंत अगर लगा होता तो अंत में अक्षर जो है अणा माना जाता, हलंत नहीं लगा है, और कोई ई की या बड़ी ई की या नीचे ऊ की कोई मात्रा भी नहीं दिख रही है,
हलंत लगा हो तो समझिए अंतिम अक्षर जो लिखा हुआ दिख रहा है वो है, और यदि हलंत नहीं लगा है तो आप समझ जाइए कि जो मात्रा लगी होगी तो मात्रा वाला माना जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है कवि, क्या लिखा है कवि, अब यहां अंतिम अक्षर वा नहीं है, देखिए कवि वा के बाद ई, तो यहां अंतिम अक्षर क्या आ जाता है ई आ जाएगी, छोटी ई हो जाएगी। जैसे यहां लिखा है सती, कहीं पर लिखा है सती तो अंतिम अक्षर क्या है बड़ी ई है। मान लीजिए लिखा है गुरु तो अंतिम अक्षर क्या है ऊ, गुरु ऊ सबसे लास्ट में आ रहा है तो अंतिम अक्षर का मतलब सबसे लास्ट वाला अक्षर ऊ आ रहा है, ठीक। तो चूंकि इनमें मात्राएं लगी हुई है इसलिए आपको दिख रहा है, लेकिन छोटा आ जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ उसको कैसे दर्शाया जाता कि वो है या नहीं है, अगर हम ऐसे हलंत लगा दें तो अब अंतिम अक्षर ण हो जाएगा, और अगर हलंत हटा दें और इस प्रकार से लिखा हुआ है अक्षर तो अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा छोटा आ हो जाएगा। तो छोटा आ ई बराबर क्या बनेगा नियम से ए बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके हिसाब से गणेश, क्या बन जाएगा गणेश, ठीक है। ए आ और ई ए ये हलंत हो जाएगा और ई इसकी गायब हो गई, इसका आ और इसकी ई ए मिला तो बीच में ए रखेंगे तो गढ़ में ए की मात्रा आ जाए गड़े और सा गणेश बन जाएगा। ऐसे ही अब इसको आप सीधे से बना लें बन जाएगा क्या गजेंद्र, गज इंद्र छोटी आ और छोटी ई ए बन जाएगा, ए की मात्रा जा पे आ जाएगी क्योंकि जा हलंत हो जाएगा तो बन जाएगा गजेंद्र। उपेंद्र ये क्या बन जाएगा उप इंद्र उपेंद्र, ठीक है। ऐसे आसान के उदाहरण होंगे, कुछ उदाहरण आपको दिया है, ये क्या बन जाएगा पद्मेश। देखिए ये शब्द थोड़ा सा है, एक ये शब्द है और एक ये है कमलेश, इन दो शब्दों को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, विकल्प में जिस हिसाब से देगा वो माना जाएगा। पद्मेश यहां पर छोटा आ और ई है, हमने देखा कि छोटा आ छोटी ई तो भी ए बनता है, बड़ा आ बड़ी ई तो भी ए बनता है, यानी ह्रस्व हो या दीर्घ हो लेकिन अंततः बनता ए ही है। इसलिए यहां चूंकि देखिए पद्म माने कमल, ईसा माने, अगर हम इस पद्मेश शब्द का अर्थ ये लें कि सूर्य, पद्मेश किसको कहते हैं सूर्य के अपर्यायवाची बन जाता है क्योंकि कमल जो है पद्म माने होता है कमल, ईस माने स्वामी, कमल का जो स्वामी है, तो सूर्य को कमल का स्वामी इसलिए माना जाता है क्योंकि सूर्य उदित होते ही कमल खिलता है और सूर्य के अस्त होने पर कमल बंद हो जाता अपनी पंखुड़ियां समेट लेता, इसलिए उसको उसका स्वामी माना गया। लेकिन अगर इसी का यहां पद्मा हम कर दें तो पद्मा ये लक्ष्मी जी का नाम है, पद्मा जो है वो लक्ष्मी जी का नाम है, इसलिए पद्मा प्लस ईसा ऐसा भी माना जाएगा, यानी इसके पद्मेश के दो विच्छेद माने जाएंगे पद्म प्लस ईसा और पद्मा प्लस ईसा, ये दो विच्छेद। यहां पद्म ईसा, अगर पद्म ईसा पद्मेश मान लें तो ये कमल सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा, और पद्मा प्लस ईसा ऐसा माने हम पद्मेश तो ये भगवान विष्णु का, क्योंकि पद्मा के लक्ष्मी जी के ईस, लक्ष्मी जी के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति कौन है तो वो हैं श्री विष्णु भगवान जी, ठीक है। तो इसलिए इसके दो माने जाएंगे। हाँ अब ये ध्यान रखना है हमें कि अगर विकल्प में दोनों आ जाएं, कहीं विकल्प में यदि दोनों ही आ जाएं उपलब्ध हो जाएं तो आप किसे मानेंगे, तो विकल्प में अगर दोनों आते हैं तो सबसे पहला वाला आप मानेंगे पद्म प्लस ईसा, क्योंकि पद्म शब्द बनता है उसके बाद पद्मा शब्द बनता है, पद्म से ताप प्रत्यय लगा के पद्मा शब्द का निर्माण किया जाता है, चूंकि पहली स्थिति पद्म है इसलिए हम इन दोनों में से अगर प्रथम विकल्प कौन सा चयन करना है हमें तो पद्म प्लस ईसा, और बाकी विकल्प के अनुसार है, अगर दोनों में से पद्म प्लस ईसा आया है तो पद्म प्लस इसको कर लें, और पद्म प्लस ईसा आया है तो पद्म प्लस इस वाले विकल्प को टिक कर लें, और यदि दोनों आए हैं तो पद्म प्लस इसको आप टिक करेंगे। ऐसे ही कमल प्लस ईसा कमलेश, यानी ये भी सूर्य का पर्यायवाची हो गया, और कमला प्लस ईसा तो कमला कौन लक्ष्मी जी और उनके स्वामी कौन विष्णु भगवान, तो कमलेश जो अर्थ इसका है वही अर्थ इसका, कमल ईसा कमलेश सूर्य और कमला प्लस ईसा कमलेश श्री विष्णु भगवान जी, ठीक। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
तो दो हो जाएंगे इसके, फिलहाल पहली वाली स्थिति जो सर्वमान्य है उसको रखेंगे हम। अब राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र क्या बन जाएगा, बड़ा आ हो चाहे छोटा आ हो बनेगा ए ही, तो क्या बन जाएगा राजेंद्र। ऐसे रमा प्लस ईसा क्या बनेगा रमेशा। यानी आपसे क्या पूछा जाता है ज्यादातर कि रमेशा का सही संधि विच्छेद क्या है, तो रमा प्लस ईसा, रम प्लस ईसा, रम माने कुछ नहीं होता है इसलिए रमा प्लस ईसा। अब यहां है शुभेच्छा, शुभ प्लस इच्छा बराबर क्या बन जाएगा शुभेच्छा। भाई इसका आ और इसकी ए दोनों को ए हो जाएगा, भा आधा हो जाएगा, ए यहां बीच में आएगा ए की मात्रा, और अंतिम जो बचा उसके साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा शुभेच्छा। तो ये इसका पहला भाग है, बाकी आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, काफी उदाहरण आपको दिए जाएंगे, आप उससे कर लीजिएगा, लेकिन ये केवल समझाने के लिए है आपको, आप समझ जाएं इसको अच्छी तरीके से। अब दूसरा भाग जो है यहां पर, अब इधर वही स्थिति रहेगी और इधर यदि ऊ अथवा बड़ा ऊ आ जाएगा तो आप जानते हैं क्या बन जाएगा, परिभाषा के अनुसार ओ बन जाएगा। ठीक है, ये दूसरा इसके उदाहरण देते हैं, जैसे पर उपकार, पर प्लस उपकार, तो पर उपकार बन जाएगा क्या, यहां देखिए छोटा आ है, समझ लीजिए पहले छोटा आ है, इधर क्या है ऊ है, और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे भाई, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनता है ओ बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, पर आधा रा आधा बचा, और प्लस चूंकि इन दोनों को इसका ऊ और इसका आ दोनों को ओ कर लिया, तो यहां देखिए ओ लिख दिया हमने, और इधर जो शब्द शब्दांश बचा उसको जोड़ लेंगे। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो पर और रा हलंत है, स्वर आया है तो स्वर की मात्रा उस पर आ जाएगी तो ओ हो जाएगा सीधे। ठीक है, ओ की मात्रा ऐसे लगती है, ओ हो जाएगा, परो हो जाएगा, और पकारा क्या बन जाएगा परोप कहरा। इसी प्रकार से आपको सब कहीं समझना है, अगर जोड़ पाते हैं आप लोग तो। ठीक, तो यहां पर आ है और इधर ऊ है, दोनों को क्या आदेश हो जाएगा ओ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा परोप कारा। ठीक, दूसरा उदाहरण है जैसे हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश। देखिए यहां छोटा आ है और इधर छोटा ऊ है, लेकिन छोटा हो इधर चाहे बड़ा, चाहे ये लिखा होता और ये लिखा होता, होगा ओ ही, समझ रहे हैं, चाहे छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा आ और छोटा ऊ जोड़े, चाहे छोटा आ छोटा ऊ जोड़े, दोनों को ओ ही होगा। तो आप जान गए होंगे कि क्या बन जाएगा, ये हलंत हो जाएगा और इसका आ इसके ऊ को ओ हो जाएगा, तो हित तो हो जाएगा पदेश। हितोप नेसा, ऐसे ही जैसे लिखा है मां उदक, उदक माने होता है जल, जल का पर्यायवाची है, तो यहां देखिए बड़ा आ है और इधर क्या है छोटा ओ है, तो दोनों को क्या हो जाएगा ओ आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा मोदक बन जाएगा, मोदकम। ठीक है भाई, माँ ये हलंत बचेगा आधा और इसका आ इसका ऊ ओ, तो माँ पे ओ की मात्रा आ जाएगी, मो द कम क्या बन जाएगा मोदकम। ठीक है, क्या बन जाएगा मोदकम। ऐसे ही जैसे आपने बहुत सारे उदाहरण पढ़े रखे होंगे, जैसे लिखा है सूर्य प्लस उदय। ठीक, यहां सूर्य आ है लास्ट में और यहां ऊ है, तो आ और ऊ ओ बन जाएगा, तो सूर्यो हो जाएगा सूर्यो, और फिर अंतिम भाग क्या बचा दया, तो क्या बन जाएगा सूर्यो दया, यानी सूर्योदय का विच्छेद क्या होगा सूर्य प्लस उदय। ऐसे ही चंद्र प्लस उदय, तो क्या बन जाएगा चंद्रो चंद्रोदय, क्या बन जाएगा चंद्रो दया। ठीक है, ऐसे ही लिखा है जैसे चरम
उत्कर्ष, क्या लिखा है, चरम प्लस उत्कर्ष, तो यहां छोटा आ है और इधर क्या है उ है, तो दोनों को क्या आदेश होना है, ओ आदेश होना है, तो क्या बन जाएगा चरमो उत्कर्षा, क्या बन जाएगा चरमोत्कर्षा। ऐसे ही असंख्य उदाहरण इसके हो सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ नियम समझना है, जानना है, और कुछ उदाहरणों पर को भी आपको अच्छी प्रकार से तैयार करने का प्रयास करना है। तो उम्मीद है कि आ प्लस ऊ ओ बनता है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम तीसरे पे चलते हैं, इधर तो वही स्थिति रहेगी, इधर ही बदलता है इस संधि में, तो इधर वही स्थिति है, और इधर अगर ऋण आ जाए, हम छोटा ही ऋण लिख रहे हैं क्योंकि बड़ा वाला प्रयोग नहीं हो रहा है अब, तो इसलिए दोनों को क्या आदेश हो जाएगा, अर आदेश हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखें, पहला जैसे महा धन ऋषि, ठीक, इसको थोड़ा समझना है, थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए टिपिकल पड़ जाए, वैसे है नहीं ऐसी कोई बात। यहां देखिए बड़ा महा में कौन सी मात्रा, यानी कौन सा अक्षर अंत में दिख रहा, बड़ा आ, और इधर देखेंगे तो ऋण है। अब इन दोनों को मिला करके क्या आदेश होना है, अर आदेश। देखिए छोटा आ ऋण मिलेगा तो भी अर होगा, बड़ा आ और ऋण मिलेगा तो भी अर ही होगा, तो क्या बना अर। अब यहां हम समझा दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बचा मह, आ निकाला तो मह बचा, हलंत लगा दिया, और आ इसका ऋण निकालिए, इसका आ और इसका ऋण सामने लिखे हुए हैं, निकाल लिया, तो इन दोनों को निकाल के, इसके आ को इसके ऋण को निकाल के, और हमने क्या बनाया है, अर बनाया है, और बचा क्या लास्ट में सी, ठीक है, इतना ही तो बचा। अब अगर हम इसको जोड़ें तो आप कह सकते हैं कि मह, और चूंकि आ छोटा आया है तो छोटा आ की कोई मात्रा तो होती नहीं, बस छोटा आ आ जाए तो ये हलंत हट जाएगा, तो यहां हलंत हमने हटा दिया, और अब रा बचा, तो रा हमेशा आधा रा जो है वो ऊपर चला जाता है, और कहां जाएगा ऊपर, जहां पर है उसके अगले वाले अक्षर पर जाएगा, ध्यान रखना, ये यहां मत लगा देना, यहां नहीं लगेगा रा, देखिए आप पढ़ रहे हैं महर महर सी, तो यहां रा, रा यही है लेकिन ये ऊपर लग जाता है, तो क्या बन जाएगा महर से, ठीक। जैसे दूसरा है वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, तो यहां पर क्या है बड़ा आ है और इधर क्या है ऋण है, तो दोनों को होगा अर ही, छोटा आ में ये नहीं कि बड़ा आ तो आर हो जाए, आर नहीं होगा, होगा अर ही, ठीक है। तो आप देखेंगे तो वर्षर तु, क्या बन जाएगा वर्षर तु, कैसे बना, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी इस सब इस उदाहरण में, देखिए हम यहां नीचे बता रहे हैं कि वर्ष ऐसे, अब ये ऐसे बचा, इसका आ निकाल रहे हैं हम, इसका आ निकाल लिया, ठीक है, प्लस इधर ऋतु का रे निकाल लिया, प्लस क्या बचा तु, अब ऐसे समझे। अब यहां हम आ के बाद ऋण आया है, इसलिए इन दोनों को हम क्या आदेश कर सकते हैं, अर आदेश कर सकते हैं, है ना, तो अर आदेश कर लें। अब यहां पर वर्ष प्लस अर और प्लस तू बचा, हम इसलिए कह रहे थे, आपको दिक्कत हो रही होगी कि यहां भी रा लगा हुआ है, यहां भी रा लगा हुआ है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये जो रा यहां लगा हुआ है इसी का है, ठीक है, तो वर्ष अर और ऋतु। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि वर्ष है और हलंत है, सा के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसलिए कोई स्वर नहीं है। अब ये अर जो जुड़ेगा तो चूंकि आ स्वर है, वर्ष में आ जाएगा, तो ये ऐसे पूरा हो जाएगा, केवल हलंत हट जाएगा, पूरा हो जाएगा, और फिर तू जोड़ देंगे, चूंकि रा यहां पर है तो अंतिम अक्षर पर चला जाएगा और बन जाएगा वर्षर तो, ठीक है। ऐसे ही ग्रीष्म प्लस ऋतु, क्या बन जाएगा, आप समझ गए होंगे,
ग्रीष्म ऋतु, क्या बन जाएगा? ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। ऐसे वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, ठीक है। ऐसे बन जाएगा देव ऋषि, देव प्लस ऋषि, देवर्षि है ना, देव प्लस, जैसे देव आप आपके सामने लिखा देवर्षि, तो ये क्या विच्छेद होगा? देव शब्द होता है और ऋषि शब्द होता है, तो क्या बन जाएगा? देवर्षि, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा, महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, इस प्रकार के शब्द जो हैं वो वर्ष ऋतु, ग्रीष्म ऋतु है ना, ये जो शब्द हैं ये गुण संधि के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अब जो अंतिम वाला है लि, इसको देख लेंगे और ये संधि समाप्त हो जाएगी। तो लि आ जाता है तो आपको क्या लिखा हुआ है कि लि आए तो दोनों को क्या आदेश हो जाए? अल आदेश हो जाए। तो इसके बहुत कम ही उदाहरण हैं आपको मिलेंगे, एक दो उदाहरण आपको मिलेंगे और उनको आप रट भी सकते हैं, जैसे क्योंकि ये प्रयोग नहीं होता, तो जो जो चीज प्रयोग में नहीं आती है उससे नया शब्द बनता भी नहीं है। तो प्लस लिकारा, अब यहां देखिए आ है, इसका आ और ये ली दोनों को क्या आदेश हो जाएगा? अल आदेश हो जाएगा। और तो बचेगा क्या? तव प्लस अल और प्लस कारा, ये बचेगा, इतना जोड़ लेना है। तो तव आ बाद में आया इसलिए हलंत इसका हट जाएगा, तो हो जाएगा, और ला आधा है, बाद में स्वर होता तो इसमें मिलता, स्वर है नहीं बाद में, तो तवल कारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ऐसे एक और उदाहरण है मम प्लस लेकारा, ठीक। तो यहां आ है और यहां लिरी है, दोनों को क्या करेंगे? अल कर देंगे, ठीक है। तो ममल कारा, इस प्रकार से ये शब्द निर्मित हो जाएगा। तो उम्मीद है आपकी समझ में ये बात गुण संधि जो है वो आ गई होगी, और यदि नहीं आई है तो आप अपनी शंका समाधान करने के लिए, चूंकि विद्यालय भी नहीं आ सकते हैं आप, तो आप हमारा मोबाइल नंबर 9956808086 पर फोन कर सकते हैं और अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। तो कक्षा 11 और 12 के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।